वेरी गुड आफ्टरनून। तो फाइनली गाइस वो दिन आ गया है, मैंने वो वीडियो जब बनाया था टेमू का तो उसमें भी मैंने मतलब फास्ट वॉच डिलीवरी का, तो उसमें मैंने बोला था कि अमेजोन फ्लैक्स का कब से मुझे वीडियो बनाना है लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है। तो फाइनली आज वो दिन आ गया है, हमने जो ब्लॉक था वो पिकअप कर दिया है और अभी हम देखो सीधा जा रहे हैं वहाँ पे वेयर हाउस पे पिकअप करने के लिए और उसके बाद डिलीवर करने के लिए। ओके, तो अभी आगे धीरे धीरे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे हम, मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि कितना टाइम मतलब कितना टाइम लगता है अमेजोन फ्लैक्स में, वो जो ब्लॉक होता है वो उसके कितने डॉलर होते हैं, क्या प्राइस होता है, कितने पार्सल होते हैं, कैसे डिलीवर करना होता है, वो सब कुछ मैं आगे आपको बताऊंगा वीडियो में। ओके, तो वीडियो के अंत तक मैं रही और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसे व्लॉग आते रहने वाले। ओके, तो लेट्स गो। सबसे पहले जाते हैं यहाँ से सीधा वेयर हाउस, क्योंकि यहाँ से वेयर हाउस पड़ता है, यहाँ पर 28 किलोमीटर हमारे घर से बहुत दूर है, थोड़ा सा कंटाला आता है लेकिन क्या है भाई, अच्छा है। ठीक है, तो सारी बातें मैं आपको बताता हूँ आगे वीडियो में, बने रहे वीडियो के साथ। A few moments later. तो गाइस देखो ये है अमेजोन फ्लैक्स का वेयर हाउस, ये एंट्री यहाँ से लेने का, यहाँ सब गाड़ी देखो यहाँ पे भाई खड़े हैं, तो ऐसे यहाँ पे खड़े रहने का, वो आपसे पूछेगा कि भाई आपका ब्लॉक कितने बजे का है। ओके, अगर फिर आपका नाम भी पूछेगा और एक ख़ास बात है कि भाई आप लाइसेंस लेके आना, क्योंकि लाइसेंस भी अभी यहाँ पे उन्होंने नया चालू किया, पहले नहीं मांगते थे लाइसेंस लेकिन अभी लाइसेंस भी ये लोग मांगते हैं, ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस, तो वो भी दिखाना होता है हर बार, पता नहीं लेकिन भाई, तो वो भी लेके आना ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस कंपलसरी। ओके, यहाँ से जाना है धीरे धीरे अंदर आपको, फिर वहाँ से अंदर या फिर यहाँ भी दे सकते हैं वो, और ये इनका ट्रक डिलीवरी है, अंदर तो शूट नहीं कर सकता इसलिए मैंने आपको बाहर से दिखा दिया कि ये है अमेजोन फ्लैक्स का छोटा सा वेयर हाउस। और ऐसे आपको ये देखो, ये भाई देखो जैसे पैक कर रहे हैं वैसे ही आपको पैक कर देना है, का गाड़ी यहाँ पे खड़े करके सारे पैकेजेस गाड़ी में डाल देने और फिर सीधा निकल जाना है। A few moments later. गाइस देखो ये हमारा फर्स्ट पार्सल और ये इस घर में जाएगा। ओके, थोड़ा सा हैवी है तो हम उठा के ले जाते हैं इसको, हाँ अभी ले जाते हैं इसको उठा के। गाइस हमने पहला पार्सल डिलीवर कर दिया है और सेकंड लोकेशन पे पहुंच गए। ओके, तो आज पार्सल है हमारे कुछ 42 के करीब और 46 परी का रन है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ओके, तो अभी देखो ऐसे इतने पार्सल है और बाकी सब टिक्की में पड़े हुए, तो मैंने बोला ना कि थोड़ा सा डिस्टेंस होता है लेकिन इतना सारा डिस्टेंस नहीं होता है। तो मतलब मैंने कैलकुलेट किया है कि जब से मैंने स्टार्ट की थी, जब से फर्स्ट डिलीवरी डाली, ओके, वहाँ से लेके अभी कितना, अभी जब पूरा रन ख़त्म कर देंगे तो कितना होता है डिस्टेंस वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन मेरे हिसाब से अराउंड यहाँ पे 30 किलोमीटर जितना होगा, यहाँ पे 30 या 35, उससे ज़्यादा नहीं होता है। ओके, डिपेंड करता है फिर कौन सा रन है, आपका नसीब ख़राब है तो हो सकता है। ओके, तो अभी दूसरा ड्रॉप हमने डाल दिया है, अभी तीसरे ड्रॉप पे जाते हैं, तो वो थोड़ा सा दूर है यहाँ से, 2.1 किलोमीटर। ओके, तो वहाँ पे जाते हैं और डिलीवर करते हैं। ओके, तो गाइस देखो ऐसा नंबर होता है 625, तो ये नंबर आपको देखना होता है, आपकी एप्लीकेशन में ये नंबर दिखा रहा होता है और बॉक्स है कि एनवेलॉप है वो भी दिखा रहा होता है, इसको बॉक्स बोलते हैं, एनवेलॉप में आपके आगे दिखा था। ओके, तो अभी ये पार्सल को डिलीवर कर देते हैं इस घर में। यहाँ पे रख देने का और यहाँ पे क्यूआर कोड होता है उसको स्कैन करने का और अपने और एक फोटो खींचने का और डिलीवरी डन कर देने का। ओके, तो वो कर देते हैं। A few moments later. तो गाइस देखो अभी यहाँ पे हमारी 10 डिलीवरी बची है, बाकी सारे डिलीवरी हमने डाल दिए। और मैं पहले यहाँ पे मैंने स्टार्ट टाइम बताया था कि नहीं बताया था आपको, तो हमने मैं अभी बता देता हूँ कि हमने 12 बजे स्टार्ट किया था, तो 12 बजे से लेके अभी 2:30 बजने को आए और 2 घंटे में हमें 32 पार्सल डाल दिए क्योंकि टोटल 42 पार्सल थे, तो अभी 10 पार्सल ही बचे। लेकिन भाई आज गर्मी बहुत है, तो आज मैं बता दूं कि आज अभी टेम्परेचर जो दिखा रहा है वो 35 दिखा रहा है, लेकिन वो जो फील्स लाइक है, वो टेम्परेचर जो फील्स लाइक है वो है 40 डिग्री। तो समझ सकते हो ना कि आज बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा धूप है। ओके, तो इसीलिए थोड़ा सा मतलब प्यास बुझाने के लिए, पानी तो है मेरे पास लेकिन वो थोड़ा सा गर्म हो चुका है, तो इसीलिए प्यास बुझाने के लिए हमने थोड़ा सा रेस्ट लिया है और अभी हम आ गए 7-Eleven में। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे जाते और यहाँ पे जाके स्मूदी लेते, मतलब स्मूदी या फिर से कुछ भी ले लेंगे। ओके,
तो थोड़ा सा ठंडक हो जाएगी। बाकी ओरियो बिस्किट पड़े हैं और वो फर्सी पूरी बोलते हैं गुजराती में, तो वो भी पड़ा है, तो खाने में तो वही है। ओके, तो देखो अभी हम 7-Eleven में ही खड़े हैं। हमारा आई फील स्टेशन है भाई, 7-Eleven में काम करते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं 7-Eleven में काम करता हूँ। ओके, तो ये नज़दीक में ही था क्योंकि यहाँ पे इस स्ट्रीट में ही थी डिलीवरी, तो मैंने सोचा कि चलो 7-Eleven है तो फिर अभी थोड़ी सी प्यास भी लगी, थोड़ा सा चाहिए ठंडक पेट को, तो ले लेते हैं। ओके, तो अभी गाड़ी लॉक कर दी है, अभी जाके आते हैं 7-Eleven में और भाई शेक और स्मूदी कुछ ले लेते हैं। ओके, तो ये सैलिसबरी का है, जिसको भी पता है वो पता होगा, ब्रिस्बेन में, साउथ ब्रिस्बेन में जो रहते हैं ना, ये सैलिसबरी का 7-Eleven है। फ्यूल स्टेशन है, देखो फ्यूल भी है और ये कन्वीनियंस स्टोर भी है। हमारे मैं जहाँ पे काम करता हूँ 8 Mile Place, वो इसमें भी सेम ही है। ओके, अभी इसमें स्मूदी का किधर है, ये रहा इसमें स्मूदी का, इसको पहले निकालो। स्मूदी में कौन सा फ्लेवर है, सारे फ्लेवर है, बनाना स्ट्रॉबेरी मैंगो। ओके, और शेक में कौन से, ओह शेक में भी सारे हैं, तो शेक में काम करते हम लेते हैं डबल चॉकलेट वाला। गेट स्टार्टेड। हाँ भाई कप डाल दिया है, चलो। ओके, देखो यहाँ पे शेक आ रहा है और बहुत सारी बर्फ, बहुत सारी मतलब हद से ज़्यादा। 7-Eleven वाले को बोलो भाई इतनी बर्फ कौन पीता है। ठीक है, लेकिन डबल चॉकलेट तो दुगना डालेगा और फिर यहाँ पे जाएगा और फिर ब्लेंड होगा। देखो मतलब सब कुछ ऑटोमेटिक, कुछ करना ही नहीं है आपको। और ये शेक का प्राइस बता दूँ मैं, $3 के, कोई भी लो आप, कोई भी फ्लेवर $3 में। ऐप स्कैन करनी पड़ती है, ऐप यहाँ पे लिखा है, देखो $3 ऐप स्कैन, यहाँ पे ब्लेंड हो रहा है 62-63%। बाकी सारी चीज़ें तो आपको बताइए, ये ड्रिंक सेक्शन, ब्रेड भी होती है, चिप्स होती है, ठीक है, बहुत सारा कुछ होता है यहाँ पे। तो नॉर्मली यहाँ पे $4 का होता है ये, लेकिन अगर आपके पास 7-Eleven ऐप है, देखो यहाँ पे लिखा है माई 7-Eleven ऐप ऑफर, वो स्कैन करते हो तो आपको $3 में पड़ता है। ओके, चल भाई। ये है स्लर्पी, बहुत ही फेमस है 7-Eleven की, मैं बता दूँ। इसमें भी बहुत सारे फ्लेवर आते हैं, देखो कोला है, वाटरमेलन है, रासबरी है, ट्रॉपिकल है, लेकिन ये भाई बहुत हम कंटाल गए अभी पी के, बहुत पी। शेक में क्या होता है, प्रॉपर फ्लेवर मिलता है आपको, रेडी हो गया है। देखो ये ब्लेंड भी ऑटोमेटिकली साफ भी हो जाता है ऐसे, और ये हमारा रेडी हो चुका है, तो इसको ले लेने का और टॉप में डाल देते हैं यहाँ पे। ओके, स्टोर ले लेते हैं और वहाँ जाके फिर मैं आपको बताता हूँ आगे की बाइज। तो देखो ये हो गया, ले लिया हमने 6 स्टेशन। ओके, बहुत ही बढ़िया होता है गाइस, ट्राई करके देखना, अभी तक आपने ट्राई नहीं किया है तो शेक, मुझे स्मूदी से ज़्यादा शेक बहुत पसंद है। ओके, बाकी तो अभी आराम से पियेंगे और 10 डिलीवरी बाकी है तो वो करेंगे। और मैं आपको क्या बता रहा था, हाँ और बता रहा था कि हाई वेस्ट क्यों पहना है। तो गाइस हाई वेस्ट के बहुत फ़ायदे हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे हाई वेस्ट पहनते हो ना तो यहाँ पे बहुत इज्जत है। ये हाई वेस्ट के बहुत फ़ायदे, देखो सबसे पहले तो अगर पुलिस वाले होते हैं तो हाई वेस्ट होता है तो आप बच जाते हो, प्रोबेबिलिटी है कि ज़्यादा है कि भाई हाई वेस्ट है अगर कुछ, क्योंकि हाई वेस्ट की यहाँ पे बहुत इज्जत है, क्योंकि हाई वेस्ट बहुत मतलब जो भी लोग काम करते हैं ऐसा कुछ भी काम, डिलीवरी पीपल हो, कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, कुछ भी हो, हाई वेस्ट कंपलसरी पहनना होता है, तो पता चलेगा कि भाई ये बंदा मतलब ऐसा काम कर रहा है। ओके, अगर आप किसी आप घर में डिलीवरी करने जाते हो तो फिर आपने हाई वेस्ट पहना हो तो वो समझ जाते हैं कि भाई ये डिलीवरी पर्सन है, ऐसा कुछ है, अच्छे से बात करते हैं। ओके, तो हाई वेस्ट के बहुत सारे फ़ायदे, एक हाई वेस्ट लगाना है ऊपर, क्या दिक्कत है उसमें। ओके, तो इसीलिए हाई वेस्ट पहना करो अगर आप ऐसा कुछ भी काम करते हो तो, बाकी तो भाई आपकी मर्ज़ी है, ऐसा कंपलसरी नहीं होता है। वेरा उसमें जब जाते हो आप पिकअप करने के लिए तब कंपलसरी होता है कि तब पहनना पड़ता है, लेकिन फिर आप डिलीवरी करते समय आपको पहनना ना पहनना वो आपके ऊपर है। ओके, तो वही है, आपको पहनना है तो पहनो, वरना तो आपकी मर्ज़ी।
ओके अभी ये शेक पीते थोड़ा सा और फिर आगे की 10 डिलीवरी बाकी है तो वो भी करते हैं। ओके बने रहिए मेरे साथ। तो गाइस इसको बोलते हैं एनवेलप, बॉक्स नहीं होता है, ऐसे ऐसे होते हैं पड़ी के जैसे, तो इसको बोलते हैं एनवेलप। ओके तो वही है, अभी इसको इस बिल्डिंग में डिलीवर करना है, बिजनेस डिलीवरी है। ओके तो अभी फाइंड करते हैं कि यही है कि नहीं है, वो कंफ्यूज हूँ मैं, तो अभी जाते और देखते हैं। गाइस और एक पार्सल, और एक थोड़ा सा बड़ा पार्सल, 614। ओके तो इसको डिलीवर कर देते हैं यहाँ पे। घर में है, यहाँ पे आके रख के फोटो खींच देने का सिंपल फंडा। देखो गाइस ऐसा कुछ भी मंगाया है, पॉलीथीन प्लास्टिक की बैग है, अभी ब्लैंकेट है कि क्या है पता नहीं, लेकिन ऐसा भी मंगवाते हैं। ठीक है सब कुछ, अभी इसको भी डिलीवर कर देते हैं यहाँ पे करके सामने, यहाँ पे रख के। ये है लास्ट पार्सल इस घर में। ओके तो डाल देते हैं पहले, सबसे पहले लास्ट पार्सल को आराम से। ओके तो गाइस लास्ट पार्सल डाल दिया है। ओके तो अभी रन खत्म हो चुका है और अभी 2:30 बजे, मैंने कहा ना कि 12 बजे का रन था आराम से। ओके तो अभी इसको हाईवे को निकाल देते हैं और अंदर रख देते हैं क्योंकि अभी तो ख़त्म हो चुका है। ठीक है और सीधा घर पे जाते हैं, घर पे जाके फिर नहाना बाकी है हमारा, और फिर आज शाम को, आज फ्राइडे तो फिर शाम को उबर करने जाएंगे क्योंकि भाई फ्राइडे को ऑलवेज उबर बिजी होता है शाम को, तो फिर उबर करने जाएंगे। तो गाइस देखा ना आपने कि ऐसा होता है अमेजोन फ्लैक्स में। ओके बहुत फ्लेक्सिबल होता है, जैसे ऊबर फ्लेक्सिबल है वैसे भी ये फ्लेक्सिबल था। आपको ऐप जो होता है वो चेक करते रहना है, और रन है तो ले लेना है, और आपके टाइम से हिसाब के आपको अपनी गाड़ी लेके खुद से जाना है और आना है। ओके तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि भाई ये जो रन था वो था $150 का, जनरली होता है $120 का, लेकिन क्या होता है कि आज धूप बहुत ज़्यादा थी, अगर भाई धूप ज़्यादा है, बारिश गिरी है, ऐसा कुछ होता है तो भाई जो प्राइस होते हैं वो रन के बढ़ जाते हैं। ओके तो हाईएस्ट मैंने किया हुआ है बारिश में $200 का किया हुआ है, सेम पार्सल सेम लोकेशन सेम किलोमीटर सेम सब कुछ सेम होता है, सिर्फ फ़र्क होता है कि प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है। तो आज कितने किलोमीटर का हुआ ये, तो देखो आज हुए हैं यहाँ पे मैं गिनूँ तो 26 किलोमीटर हुए आज टोटल, जब मैंने पहला पार्सल लाया था उससे मिला के लास्ट पार्सल तक की। तो देखा ना कि बहुत ही आसान है भाई, 26 किलोमीटर यानी कुछ नहीं बोलते, लेकिन घर से वहाँ पे पिकअप करने जाने का टाइम तो वो, और वहाँ से घर पे जाने का टाइम तो वो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ओवरऑल जो होता है वो मैं मैक्सिमम 100 किलोमीटर में मैक्सिमम, लेकिन आज तो इतना नहीं होगा। आज तो मैंने पहले ही बताया कि घर से पिकअप करने का टाइम वो 30 किलोमीटर होता है, और अभी यहाँ पे सलिसबरी में ही था, तो सलिसबरी से कूपर प्लेन में ये लास्ट पार्सल डाला है, तो कूपर प्लेन से घर पे जाने के भाई मेरे घर पे पास ही है मैग्रेगर, तो फिर बहुत किलोमीटर नहीं लगेंगे, तो आज का रन तो छोटा ही था। ओके तो ऐसा सब कुछ जनरली होता है। ओके मैंने सब कुछ आपको अमेजोन फ्लैक्स के बारे में बता दिया, बहुत फ्लेक्सिबल है, लेकिन एक रिक्वायरमेंट मैंने आपको पहले ही बताई कि इसमें इंडियन लाइसेंस नहीं चलता, आपको कंपलसरी ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस चाहिए। और अभी की बात करूँ तो भाई अमेजोन के अकाउंट नहीं ओपन हो रहे। ठीक है बहुत सारे दोस्तों ने मेरे अप्लाई किया है लेकिन उसका ओपन नहीं हुआ, मेरा भी बहुत टाइम के बाद ओपन हुआ, 2-3 महीने के बाद ओपन हुआ है, और वो भी कस्टमर केयर में बहुत फ़ोन करने के बाद ओपन हुआ है। तो अभी डिलीवरी पीपल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अमेजोन को, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास डिलीवरी पीपल है, तो इसीलिए ओपन नहीं होगा, लेकिन अप्लाई कर दो। ओके वो कभी भी ओपन हो सकता है। ठीक है और फ्लेक्सिबल है तो कभी भी आप कर सकते हो, ऊबर से तो अच्छा है ना भाई, 3 घंटे में या फिर 4 घंटे में आपके फिक्स $120-$150 बन जाते हैं, तो वो ऊबर में क्या है कि आपको बैठना पड़ता है, डिलीवरी आती नहीं आती है, तो वो सब होता है। ओके तो गाइस यही था, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है अमेजोन के बारे में। ओके तो सीधा घर पे जाते हैं। तो गाइस आज के वीडियो के लिए यही था, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे वीडियो आते रहने वाले। ओके मैं मिलता हूँ ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।